गुड मॉर्निंग। सो अपना चैप्टर चल रहा है लॉजिकल अल्फाबेट, जिदे विच असी कुछ अल्फाबेट दे प्लेस वैल्यूज कीतियां सी। लास्ट क्लास दी मैं करवाया सी, तुसी लास्ट क्लास अपना लैक्चर एक देख सकते हो, लॉजिकल अल्फाबेट पार्ट वन। उहदे विच अल्फाबेट्स दी प्लेस वैल्यू दसी सी। ए टू जैड तक अल्फाबेट्स हुंदे 1 to 26। लैफ्ट साइड तो मैं प्लेस वैल्यू दसी सी, राइट साइड तो किद्दां कढ़नी आ, जे राइट साइड पता है तो लैफ्ट तो किद्दां कढ़नी। अगर तुहानू किसी अल्फाबेट दी प्लेस वैल्यू पता है, लैफ्ट साइड तो 19 हुंदी है, तो राइट साइड ले की करना, मैं की दसिया सी आपां 27 चो माइनस कर दे। 27 चो 19 माइनस कीते तां किन्ना आ गया 8। सो लैफ्ट साइड तो अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू अगर 19 आ, तो उही अल्फाबेट की राइट साइड तो प्लेस वैल्यू की हो जूगी 8 हो जूगी। ठीक है। सो अगर आपां ऑपोजिट कढ़ना आ, तां वी आपां 27 चो माइनस कर दे सी। सो आपां बहुत सारे क्वेश्चन कीते सी, अगर सानू एक टाइम ते दोनों डायरेक्शन गिवन हुंदियां सी, लैफ्ट लैफ्ट हुंदी सी, तां आपां माइनस कर दे सी, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सैप्ट आ। अगर आपां राइट राइट आ, तां वी आपां माइनस कर दे सी। अगर एक लैफ्ट आ एक राइट आ, तां आप की करदे सीगे, प्लस करदे सी। एक डायरेक्शन लैफ्ट आ, एक डायरेक्शन राइट आ, फिर आपां प्लस करदे सी। ते के आ कि डायरेक्शन तो फाइंड आउट करन नूं, लैफ्ट तो क्या, खब्बे तो क्या, सज्जे तो क्या, तो आपां उहदे अकॉर्डिंग चलदे सी, है ना। सो हुण अज दा अपना क्वेश्चन की कहिंदा आ। पहला क्वेश्चन अज दी थोड़ी जी टाइप डिफरेंट आ, लास्ट क्लास आपां थोड़ा बेसिक तो स्टार्ट कीता सी, हुण अज दा आपां कॉन्सैप्ट देखिए की आ। कहिंदे जेकर ऑर्गेनाइज शब्द विच अक्षरां दीआं स्थितियां नूं इस तरह व्यवस्थित कीता जांदा है। हाँ जी, ऑर्गेनाइज वर्ड गिवन है थानू, वर्ड नू हमेशा ध्यान ना उतारना। इस तरह व्यवस्थित किया जाता है कि फर्स्ट अटे सैकेंड अक्षर की स्थिति बदली जाती है, मतलब पहले तो दूजे नू बदल देना, ओ आर का की आ जाना आर ओ। फिर इसी तरह तीजे अते चौथे अक्षर की स्थिति नू बदलिया जाता है, तीजे ते चौथे नू बदलता जी ए दा की आ गया ए जी। अते इस तरह मतलब अगे भी एदी करना, किस विचों पुनर्गठन तो बाद हेठा दिते सज्जे सिरे तो तीजा होवेगा। हाँ जी, फिर एन आई नू चेंज करके की आ गया आई एन, एस ई दा की आ गया ई एस। बस की किता, एक दूजे की अदला बदली की आ। क्वेश्चन बहुत ईजी आ, सिंपल आ, बस ध्यान ना पढ़ना। सज्जे सिरे तो तीजा, एक दो तीन, राइट साइड तो तीसरे नंबर ते की आ गया एन। सो अपना आंसर की आ गया ए ऑप्शन, यानी कि एन। ऑर्गेनाइज वर्ड सी, पहले ते दूजे नू बदलता, तीजे ते चौथे नू, पंजवे ते छेवे नू, बस एदा बदल दे गए। ठीक है, फिर सज्जे सिरे तो उन्हें क्या तीजे नंबर ते केड़ा लैटर आ, वह अपना आंसर देगा। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन की क्या आया, जेकर कंपैटिबिलिटी शब्द दे, ओके कंपैटिबिलिटी वर्ड आ पहले, ये हर एक अलग अलग तरह का सवाल आएगा, मतलब अज थोड़िया मतलब मैं टाइप्स कंप्लीट करवा दूंगी सारिया, थानू जिस तरह की एग्जाम आन की अपनी होएगी होप, उस सारिया टाइप्स मैं कंप्लीट करवाऊंगी। ठीक है, हाँ जी। शब्द के तीजा, सत्तवा, अठवा, दसवां कंपैटिबिलिटी वर्ड चो असी थर्ड लैटर लेना, सैवंथ, एट्थ ते टेंथ। अक्षर नाल सिर्फ एक ही अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव है। अगर तुसी इन्हां चारा दी हेल्प दे नाल, हाँ जी, थर्ड नंबर ते केड़ा लैटर आ गया 1 2 3, एम, एम तो बाद 4 5 6 7, सैवन नंबर ते आई, एट, एट नंबर ते बी, ओके, 9 10, 10 नंबर ते की आ गया एल। ठीक है, उस शब्द का आखिरी अक्षर केड़ा होवेगा, इस क्वेश्चन नू ध्यान नाल पढ़ना। उन्होंने की किया, अगर तुसी इन्हां चारा दी हेल्प दे नाल जिद्दां मर्जी अगे पिछे करो, पर ये चारों यूज होने चाहिए आ, एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना, एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना। अगर तुसी सिर्फ इन्हां चारा दी हेल्प दे नाल एक कोई मीनिंगफुल वर्ड बनिया, मतलब होर कोई ना बनिया, उस वर्ड का लास्ट लैटर दस देना की होगा, उही तुहाडा आंसर होएगा। अगे की किया, जेकर अजिहा कोई शब्द नहीं बनाया जा सकता, हुण तुसी चारा नू देखिया, एदा दा कोई वर्ड कि मीनिंगफुल नहीं बन रहा, अर्थपूर्ण शब्द नहीं बन रहा, तां जवाब वजो एक्स दिओ, तां तुसी एक्स आंसर ते टिक कर देना। अते जेकर अजिही एक तो वध शब्द बन सकते हैं, हुण अगर इन्हां चारा दी हैल्प दे नाल, जरूरी तो नहीं कि किसी के नाल हमेशा एको ही वर्ड बन सकता है ना, जिदा हुण ए आर ई आर हुंदा आ, इहनूं अगे पिछे कर दो ईयर भी बन जाता, दो बन जाते हैं ना। सो इदे कहिंदे अगर एक तो ज़्यादा बन सकते हैं तो अपना उत्तर वाई दिओ। हाँ जी, हुण ये तीनों कंडीशनज का ध्यान रखना, अगर कहिंदे एको ही मीनिंगफुल वर्ड बन रहा तो उहदा लास्ट लैटर आंसर होएगा,
अगर एक तो ज्यादा बन गए तो तुसी वाई आंसर दे देना, अगर कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनिया आंसर की दे देना तुसी एक्स, ठीक है। सो आंसर की दे देना फिर एक्स। हुण आपां बनाइए इन्हां चारा दी हेल्प दे नाल मीनिंगफुल वर्ड। सो मिल्ब नाई, मिल्ब कुछ नहीं हुंदा, इल्म ए आई तो भी नहीं कुछ बन रहा, बिम लिम्ब। सो LIMB लिम्ब, लिम्ब एक मीनिंगफुल वर्ड बनिया, होर कोई मीनिंगफुल वर्ड बन सकदा नहीं। इन्हां चारा दी हेल्प दे नाल ओनली सिंगल मीनिंगफुल वर्ड ही बन सकदा आ। अगर उन्होंने कहा या इक्को ही मीनिंगफुल वर्ड बन सकदा आ तां उहदा तुसी की दे देना आ, लास्ट लैटर लास्ट नंबर ते की आ रहा आ, बी। सो तुहाडा आंसर की आ गया, बी। ठीक है, एक तो ज्यादा नहीं बन सकते, ऐदा भी नहीं कि कोई भी नहीं बने, एक बन गया। सो इत्थे ऐदा नहीं होएगा कि बस हुण तुसी एक रख लिया, मतलब हर एक क्वेश्चन च ऐदा होएगा कि लास्ट लैटर, हर एक दी कंडीशन अलग अलग होएगी, ठीक है। सो ध्यान ना पढ़ना आंसर वाई कदों देना, आंसर एक्स कदों देना, या कुछ होर लास्ट लैटर क्या, किसी का सेकेंड लास्ट क्या आया, फर्स्ट क्या आया, की क्या आया, ठीक है। सो जे इक्को एदे विच की क्या सी, जे इक्को ही मीनिंगफुल वर्ड बन रहा तां उहदा तुसी लास्ट आंसर लैटर देना, मतलब बी आ, बी आ बनिया लिंब दा। ओके तीन चार क्वेश्चंस करांगे फिर क्लियर हो जाना। ओके जेकर टेक्नोलॉजी शब्द दे, हुन टेक्नोलॉजी आ गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड अते फिफ्थ, पहला दूजा तीजा ते पंजवें अक्षर नाल सिर्फ एक ही अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव है। अगर इक्को ही मीनिंगफुल वर्ड बनिया, ठीक है, एक तो ज्यादा नहीं बने, ठीक है, अगर इक्को ही मीनिंगफुल वर्ड बनिया तो उस शब्द का तीजा अक्षर केड़ा होगा, तो तुसी ओदा थर्ड लैटर दस देना। अगर इक्को ही मीनिंगफुल वर्ड बनया, पहले देखिए फर्स्ट नंबर ते की है, टी, ओके, सेकेंड नंबर ते ई, थर्ड नंबर ते सी, ओके, दैन फिफ्थ नंबर ते फोर फाइव एन, ठीक है जी, टी ई सी एन, ठीक है, हाँ जी। ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੀਜਾ ਅੱਖਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਐਕਸ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਐਕਸ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰ ਵਾਈ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਵਰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਵਰਡ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਥਰਡ ਲੈਟਰ ਦੱਸਣਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਐਕਸ ਆਂਸਰ ਦੇਣਾ ਆ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਡਸ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਵਾਈ ਆਂਸਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਟੀ ਈ ਸੀ ਐਨ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਟੈਕ ਵਰਡ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਟੀ ਈ ਸੀ ਐਚ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਟੈਨ, ਟੈਨ ਤਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆ ਪਰ ਸੀ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੇ। ਨੈਸਟ, ਐਨ ਈ ਓ ਐਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੈਸਟ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੈਂਟ, ਸੀ ਈ ਐਨ ਟੀ, ਸੈਂਟ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਰਡ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਹੀ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਵਰਡ ਬਣ ਸਕਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਆ ਤੀਜਾ ਅੱਖਰ, ਵਨ ਟੂ ਥ੍ਰੀ। ਸੋ ਥਰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੀ ਆਇਆ? ਐਨ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਐਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਐਨ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਯੈਸ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਸੋ ਅਗਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਵਰਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਥਰਡ ਲੈਟਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਈ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਵਰਡ ਬਣਿਆ, ਉਹਦਾ ਥਰਡ ਲੈਟਰ ਆ ਗਿਆ ਐਨ, ਰਾਈਟ? ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੂਜੇ, ਪੰਜਵੇਂ, ਸੱਤਵੇਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੇਂ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਹਾਂਜੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਣਾ ਇਹਦਾ, ਫਿਫਥ ਲੈਣਾ, ਸੈਵਨਥ ਲੈਣਾ ਤੇ ਏਟਥ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਵਨ ਟੂ, ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਐਚ। ਥ੍ਰੀ ਫੋਰ ਫਾਈਵ, ਫਾਈਵ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਆਈ। ਸਿਕਸ ਸੈਵਨ ਤੇ ਏਟ, ਏ ਐਂਡ ਐਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਆ ਗਏ। ਓਕੇ, ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਅਰਥਪੂਰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰ ਹਰ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅੱਖਰ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਵਰਡ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੀ ਅਲਫਾਬੈਟ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਂਸਰ ਆ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਐਮ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਆਂਸਰ 'ਚ ਐਮ ਲਿਖਣਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਐਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ?
सो उस शब्द का दूजा अक्षर थोड़ा जवाब है। अगर एक तो वध शब्द बन गए तो आंसर एम दे दियो, अगर कोई शब्द नहीं बन सकता तो आंसर एन देना। हाँ जी, हुण आपां मीनिंगफुल वर्ड बनाइए। एच आई ए एल, हयाल, हयाल कुछ नहीं हुंदा, ठीक है। ए आई एच एल, ले, एल ए आई एच कुछ नहीं हुंदा। सो एच ए आई एल, हेल, है ना। हेल एक मीनिंगफुल वर्ड आ, अगर मीनिंगफुल वर्ड आ, इक्को ही मीनिंगफुल वर्ड बन सकता इन्हां चारा दी हेल्प दे नाल, दैट इज हेल। अगर इक्को ही मीनिंगफुल वर्ड बन सकता तां उहदा उहनां ने की किया आ, सैकेंड लैटर ही तुहाडा आंसर होएगा, सैकेंड लैटर की आया, ए। सो आंसर इज ए, इट मीनस बी ऑप्शन, राइट। हुण इक तो ज़्यादा नहीं बने, ओनली सिंगल मीनिंगफुल वर्ड आ, दैन योर आंसर इज द सैकेंड लैटर ऑफ दैट वर्ड, उस वर्ड का सैकेंड लैटर तुहाडा की होएगा, आंसर होएगा, ठीक है। ओके अगे की किया, जेकर एग्जामीनेशन शब्द दे, हुण एग्जामीनेशन पहले तीजे छेवें अते अठवें, पहला ओके तीजा छेवां अठवां, अज असीं मीनिंगफुल वर्ड्स से प्रैक्टिस करांगे ताकि तुहाडे एग्जाम च किद्दां दा वी क्वेश्चन आ जाए तुहानूं मीनिंगफुल वर्ड बारे पता होएगा। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करवाऊंगी अज ताकि तुहाडे सारे वर्ड्स कवर हो जाण। बस एक बार अच्छी तरह की आ, इस वीडियो नूं दोबारा जरूर करियो ताकि वर्ड्स जिहड़े तुहाडे माइंड च रहि जाण। पहला तीजा छेवां अठवां, पहला आ गया ई, तीजा टू थ्री फोर फाइव सिक्स सैवन एट, ठीक है जी। हाँ जी, उस तो बाद तो हरेक अक्षर नू सिर्फ एक बार वरतो करके उस शब्द का पहला अक्षर थोड़ा जवाब है। अगर सिर्फ एक ही सेम वही चीज, अगर सिर्फ एक कोई मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है, ठीक है, तो वह पहला लैटर जरा आंसर दे देना की बनया, ठीक है। जेकर अजिहे एक तो वध शब्द बनाए जा सकते हैं, अगर एक तो ज़्यादा मीनिंगफुल वर्ड बन गए तो थोड़ा उत्तर है एक्स, उसी एक्स आंसर दे देना। अते जेकर अजिहा कोई शब्द नहीं बन सकता, अगर कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनया तो थोड़ा उत्तर है वाई, ठीक है। सो इहदे विच की किया, अगर इक्को ही मीनिंगफुल वर्ड बन गया तो तुसी उहदा फर्स्ट लैटर दस देना, अगर एक तो ज़्यादा बन गए तो आंसर एक्स दे दियो, अगर कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनया तो आंसर तुसी दे देना वाई, ठीक है। हाँ जी, हुण बनाओ ant a n t, okay a n t e, yes a n t e, this is a meaningful word, aur ki ban sakda, aur ban sakda koi aunt, no teen, teen kuch nahi hunda, ten kuch nahi hunda, ek neat hunda hai, yes neat and clean hai na, n e ए टी, सो एन ई ए टी, ये दो मीनिंगफुल वर्ड्स बन गए अपने को। अगर एक तो ज़्यादा मीनिंगफुल वर्ड्स बन गए तो आप आंसर की देना है, अगर एक तो वध शब्द बनाए जा सकते हैं तो थोड़ा उत्तर है एक्स, सो आंसर की आ गया डी ऑप्शन, क्लियर। सो अपना आंसर की आ गया डी ऑप्शन, राइट, एक तो ज़्यादा बन गए ना। हाँ जी, जेकर सेंचुरी शब्द दे तीजे चौथे अठवें अते नौवें, सेंचुरीज़, तीजा चौथा अठवां ते नौवां, ठीक है, वन टू थ्री एन, ओके फोर टी फाइव सिक्स सैवन एट एंड नाइन ई ते एस, ठीक है जी। हाँ जी, एन टी ई एस, हाँ जी। हुण ये करिए आप, अखरां नाल सिर्फ एक ही अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव है, ठीक है, तां खब्बे पासे तो शब्द का दूजा अखर केड़ा होवेगा। अगर एक ही मीनिंगफुल वर्ड बनाया तो तुसी उस वर्ड का लैफ्ट साइड तो सैकेंड नंबर पर दस दियो की आऊगा, ठीक है। उस तो बाद अगर तुहाडे कोल जेकर एक तो वध अजिहे शब्द बन सकते हैं, अगर एक तो वध मीनिंगफुल वर्ड बन गए तो जवाब वजो ए दियो, तो तुसी ए आंसर दे देना, है ना। अगर अजिहा कोई शब्द नहीं बनया तो अपने जवाब वजो जेड दियो, अगर एक तो वध मीनिंगफुल वर्ड्स बन रहे हैं, सॉरी एक कोई भी शब्द नहीं बनया, अगर एक तो वध बने तो ए आंसर देना, अगर कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनया तो आंसर की देना है जेड, ओके। हाँ जी, सो सेंचुरीज वर्ड आ,
लेटर्स वास्ते केड़े लेने आ, अगर एक तो वध बन गए बच्चे, अगर दो भी बन गए तुसीं अपना टाइम सेव करना, तुसीं इह नहीं दो तो बाद होर सोची जाना। उन्होंने कहा एक तो वध बन गए मतलब दो भी बन गए तां अपना आंसर ये दे दिओ, तीन बनाओ, चार बनाओ, बना नूं तां जिन्ने मर्जी बना लो जे बन सकदे आ तां, पर टाइम आपां क्यों लगाना, एक तो वध साडे दो बन गए आपां आंसर दे देना ए, ठीक है। हाँ जी हाँ जी। उस तो बाद एन टी ई एस, हुण इहनां दे नाल आपां किहड़ा मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हाँ। पहला तां नेस्ट, एन ई एस टी, एन ई एस टी, वेरी गुड। उस तो बाद होर केड़ा बना सकते असी, नेस्ट, होर सोचो सोचो, नेस्ट बन सकता, नेट, एन ई नेट, नेट्स, एन ई टी एस, एक तो वध बन गए दो बन गए, मतलब इत्थे आंसर ए आना शुरू हो गया। होर बन सकदा, मैं तो एक बार तुहानू सारे दस दूंगी, बाकी तुहानू ए दस रही कि टाइम सेव करने लिए अपने को अगर एक तो वध गया दो भी बन गए तो आपां उहदे अकॉर्डिंग आंसर दे देंगे, है ना। हाँ जी। उस तो बाद आपां बना सकते सेंट, एस ई एन टी, नेस्ट हो गया, नेट्स हो गया, सेंट हो गया, होर क्यों हो गया, टेंस, टी ई एन एस, टेंस, वंस टेंस आपां करदे ना इकाई दोहाई, वो चीज़ हो गई। सो सेंचुरीज वर्ड दे अपा दसे हुए सी थर्ड फोर्थ एट्थ ते नाइन्थ लैटर दे नाल, अगर एक मीनिंगफुल वर्ड बन सकदा तां लैफ्ट साइड टू सैकेंड लैटर हो गया, अगर एक तो ज़्यादा बना ले दो बन गए तीन बन गए चार बन गए तां आंसर की देना ए, ए ऑप्शन मतलब ए आंसर, ठीक है। ये वर्ड्स थोड़े माइंड च रखो अपने, कई बार सेम वर्ड कोई होर हुंदा तुहाडे कोल जिहड़े लैटर्स आ इदां दे कुछ आ जांदे तां तुसीं फटाफट अपना जिहड़ा मीनिंगफुल आ बना सकदे, नेस्ट हो गया, नेट्स हो गया, सेंट हो गया, टेंस हो गया, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की आ, जे डिस्कलेमर, शब्द दे केवल पहले दूजे छेवें अते दसवें, पहला दूजा छेवां दसवां अक्षर नूं ही बनाना संभव है, ओके। तो इन्हां विच्चों केड़ा अक्षर खब्बे पासे तो तीजा होवेगा, मतलब तुसीं मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने आ लैफ्ट साइड तो थर्ड नंबर ते दस दिओ की होएगा। जे अजिहा कोई शब्द नहीं बनाया जा सकता, अगर कोई भी मीनिंगफुल नहीं बना सके नाम नहीं बनिया, एक्स नूं अपने जवाब जो दिओ एक्स आंसर होएगा, अते एक तो वध शब्द बन गए आंसर की दे देना वाई। हाँ जी। डिस्कलेमर फर्स्ट, फर्स्ट इज द डी, सेकेंड इज द आई, थ्री फोर फाइव सिक्स, ओके, सेवन एट नाइन टेन, डी आई ए आर, हाँ जी डी आई ए आर, डी आर, डी आर कोई वर्ड नहीं होंदा, ओके। सो इन्हां चारा दी हेल्प दे नाल आपां मीनिंगफुल वर्ड्स की बना सकते हैं, डी आर हो गया, हरियाड भी नहीं कुछ होंदा, एयर, ए आई आर पर डी रह जाना। सो मीनिंगफुल बनाने लिए सानू आपां चारा दा यूज करना पैना, रेड बना सकते हैं, आर ए आई डी, हमला करना, आर ए आई डी बन गया, ठीक है। होर केड़ा बना सकते हैं असी, एरिट, ए आर आई डी, एरिट, ठीक है। सो रेड एरिट दो मीनिंगफुल वर्ड्स बन गए। उन्होंने की किया, अगर एक तो वध अजिहे शब्द बनाए जा सकते हैं तो वाई नूं अपना जवाब दिओ, तो आंसर की आ गया वाई, वाई मतलब ई ऑप्शन, ठीक है। सो अपना आंसर की आ गया वाई। अगर अपने एक तो ज़्यादा मीनिंगफुल वर्ड्स बन गए, आप दो बना ले, सो रेड बनया एक, एरिड बनया या डी आर, कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं हुंदा। सो इदा नहीं कि वर्ड माइंड दे विच आ गया तो आप लिख दिए, उहदा मतलब भी तो होवे ना कुछ मीनिंगफुल, स्पेशल वो कहिंदे आ कि अर्थ पूर्ण शब्द, उहदा अर्थ होवे कंप्लीटली, ठीक है। सो रेड एरिड दीज आर, ये दो मीनिंगफुल वर्ड्स बने आ, तो अपना आंसर की दे देना, अगर एक तो वध तो वाई अपना आंसर आ गया, ठीक है। हाँ जी। उस तो बाद अगला की किया, जेकर एंटरप्राइज शब्द दे, एंटरप्राइज पहला तीजा पंजवां ते अठवां, ठीक है, पहला टू थ्री फोर फाइव आर सिक्स सैवन एट, ठीक है जी आई, ओके। हाँ जी। तो सिर्फ एक ही अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव है, अगर एक कोई मीनिंगफुल वर्ड बनया तो हरेक अक्षर की वरतों करके शब्द का पहला अक्षर थोड़ा जवाब है, तो मतलब सारे लैटर्स यूज करना, अगर एक कोई मीनिंगफुल वर्ड बनया तो पहले
ਤੇ ਜੋ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਐਕਸ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਐਕਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੈ ਵਾਈ। ਬਸ ਤਿੰਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਰਸਟ ਲੈਟਰ ਕਹਿ ਦੂਗੇ ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕਹਿ ਦੂਗੇ, ਥਰਡ ਫੋਰਥ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਬਣਾਈਏ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਵਰਡ? ETRI, ਹਾਂਜੀ, ਟਾਇਰ, TIER, ਲੈਵਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਸਟ ਟਾਇਰ, ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਇਰ, ਹੋਰ ਕੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ? ਟਾਇਰ, TRIE ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, RITE, ਯੈਸ, RITE, ਰਾਈਟ, ਹੈ ਨਾ, RITE। ਸੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਐਕਸ, ਐਕਸ ਆਨਸਰ ਮਤਲਬ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਰਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਲੈਟਰਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਵਰਡਸ ਬਣਾਏ ਆ, ਟਾਇਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਰਾਈਟ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇ ਦੇਣਾ? ਐਕਸ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਓਕੇ, ਅਗਲਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜੇਕਰ ਪੈਰੈਂਥੀਸਿਸ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਤੀਜਾ, ਛੇਵਾਂ, ਨੌਵਾਂ, ਦਸਵਾਂ, 3, 6, 9, 10, 1, 2, 3, ਓਕੇ, 3, R, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, I, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਰਤ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅੱਖਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਵਰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਐਕਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਵਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਵਰਡਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਲੈਟਰ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ, RTSI, ਐਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਵਰਡ ਦੇਖੋ ਬਣੇਗਾ, ਸਟਿਰ, ਹਿਲਾਉਣਾ, STIR, STIR, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਟਿਰ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਵਰਡ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸਟਰ, ਟਿਸਟਰ, ਟਿਸਟਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, TISR, ਈਸਟਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ESTER ਹੁੰਦਾ ਹੈ। RTSI ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੇ ਅਸੀਂ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਰਿਸਟ, RIST, ਕੋਈ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਸਟ, WRIST ਹੁੰਦਾ, W ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਆ ਰਿਸਟ ਵਾਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਸਟ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਇਹ ਰਿਸਟ ਵਰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਿਸਟ W ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰੈਕਟ ਆ ਰਿਸਟ ਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਓਨਲੀ ਸਿੰਗਲ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਵਰਡ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਟਿਰ, STIR। ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਵਰਡ ਬਣ ਸਕਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਖਰੀ ਅੱਖਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਸਟਿਰ ਦਾ ਲਾਸਟ ਲੈਟਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? R, ਸੋ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਏ ਆਪਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਟਿਰ ਸਿੰਗਲ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਵਰਡ ਬਣਿਆ, ਉਹਦਾ ਲਾਸਟ ਲੈਟਰ ਕੀ ਆ? A, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ, ਓਕੇ, ਚੌਥਾ, ਛੇਵਾਂ, ਨੌਵਾਂ ਤੇ ਗਿਆਰਵਾਂ, ਚੌਥਾ, ਛੇਵਾਂ, ਨੌਵਾਂ, ਗਿਆਰਵਾਂ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ਓਕੇ, 10, 11, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਲੈਟਰਸ ਆ ਗਏ, ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਅਰਥਪੂਰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੀਜਾ ਅੱਖਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਵਰਡਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਥਰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਐਮ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਦੇ ਦੇਣਾ? ਐਮ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਵਜੋਂ ਐਨ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਐਨ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਥਰਡ ਲੈਟਰ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਐਮ ਆਨਸਰ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਐਨ। ਸੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਵਰਡ ਬਣਾਈ ਜਾਓ ਆਪਣੇ,
एक बन गया, दो बन गए, तीन, ओदे अकॉर्डिंग कंडीशन जरूर एक बार पढ़ लो, है ना। हाँ जी, सो ली लीव च ई हुंदा, एल ई ए एफ, इधर आई आ, और ए आई एल एफ कुछ नहीं हुंदा, लीव एल ए आई एफ कुछ नहीं हुंदा, फेल, फेल मीनिंगफुल वर्ड एक बनया फेल। और कोई बन सकता मीनिंगफुल वर्ड, और कोई मीनिंगफुल वर्ड दी आपां गल करिए, केड़ा मीनिंगफुल वर्ड बन सकता अपने कोल? फेल, ओनली सिंगल मीनिंगफुल वर्ड दैट इज फेल। अगर उन्होंने कहा एक कोई मीनिंगफुल वर्ड बन सकता तो उसका तीजा अक्षर, तीजा अक्षर की आ गया आई, आई मतलब बी ऑप्शन। सो फेल द आंसर आ गया आई, दैट इज बी ऑप्शन अपना की आ गया आंसर आ गया, ठीक है जी। सो ये अपने को मीनिंगफुल वर्ड बन गया फेल, और कोई अपने को मीनिंगफुल वर्ड जड़ा है वो नहीं बन सकता। हाँ जी, अगला क्वेश्चन की है, जेकर प्रोएक्टिव शब्द दे दूजा चौथा छेवां ते नौवां, प्रोएक्टिव, वन टू, दूजा आ गया थ्री फोर, सॉरी फोर सिक्स ते नाइन, ठीक है। टू फोर सिक्स ते नाइन, टू नंबर ते की आ गया आर, फोर नंबर ते की आ गया ए, फाइव सिक्स नंबर ते टी, सेवन एट नाइन, ओके नाइन नंबर ते आ गया ई, ठीक है, ओके। सो एक ही अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव है तो हर एक अक्षर नु सिर्फ एक बार वरतो, उस शब्द का दूजा अक्षर बनाई जो, ठीक है, मीनिंगफुल वर्ड्स बनाई जो, तो सेकंड नंबर ते की है थोड़ा, सेकंड नंबर ते की लैटर थोड़ा आंसर है। अगर एक तो वध शब्द बनाए जा सकते हैं तो थोड़ा उत्तर है एम, अते अजिहा कोई शब्द नहीं बन सकता तो थोड़ा उत्तर है। चलो बनाइए हुण मीनिंगफुल वर्ड्स। आ पहला तो रेट, सामने दिखता पिया रेट, सो आर ए टी ई, उस तो बाद की बन सकता, रेट बना लिया आपां। देन होर केड़ा मीनिंगफुल वर्ड बना सकते असी, टीयर, टी ई ए आर, टी ई ए आर, एक तो आपां रेट बना लिया, दूजा अपने कोल की बन के आ गया टी ई ए आर, टीयर, एक तो वध बन गए। अगर एक तो वध शब्द बनाए जा सकते हैं तो थोड़ा उत्तर है एम, तो डी ऑप्शन अपना आंसर आ गया। बस प्रोएक्टिव वर्ड्स अपने कोल चार लेटर्स आ गए, बस फटाफट, तुझे कुछ नहीं करना, बस मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने हैं, किन्ने बना सकते हैं। ओके, अगला की क्या आया, ई एस एल ए अक्षरां नाल किन्ने अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं, हर एक अक्षर नू हर एक शब्द विच सिर्फ एक बार वरत के, ई एस एल ए। हाँ जी, इन्हां दी हेल्प दे नाल मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने आ, किन्ने बना सकते हैं तुसी, आपां ये देखना है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦੋ ਬਣ ਗਿਆ ਪੰਜ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਵਰਡਸ, ਇੱਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਦੋ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਤਿੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਚਾਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਂਸਰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੇਰੇ ਦੋ ਬਣ ਗਏ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ ਦੋ 'ਤੇ ਆਂਸਰ ਟਿਕ ਕਰਤਾ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਬਣਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਂਸਰ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਂਸਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਆਪਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ई एस एल ए की बना सकते हैं आप मीनिंगफुल वर्ड, लैस, लैस तो एल ई डबल एस हों, लैसा कुछ नहीं हों, सेल, एस ए एल ई, एस ए एल ई, सेल। होर की हो सकता, इलास, ई एल ए एस, इलास भी नहीं हो सकता, एस ए एल ई का सेल हो गया, होर लीस, एल ई ए एस नहीं कुछ हो सकता, सील, एस ई। अपने आप जो आप थोड़ा जि देखते हैं इधर उधर करते, अपने आप दिमाग च वर्ड आने शुरू हो जाते हैं, बस थोड़े मतलब होना चाहिए, अखा सामने होना चाहिए आ, थोड़ा जहा सोचो, पांच सत्त सैकेंड सोचो, अपने आप दिमाग च वर्ड आने शुरू हो जाते, कोई ज्यादा टाइम नहीं लेंदी ये चीज़ा। ता ही मैं कि अपने वालों
मेरी कोशिश है मैं तुहानू हर लैटर्स ए वर्ड्स करा दा ताकि एग्जाम विच तुहानू वर्ड कोई भी आ गया उत्थे जिहड़े तुहाडे कोल लैटर्स आ चार उही कुछ इदां दे आ गए जिहड़े मैं कराए आ सो तुसी फटाफट दस सकदे कि आपां सेल कीता सी आपां सील कीता सी आंसर की दे देना उहदे अकॉर्डिंग। हाँ जी होर कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा सेल ते सील तो अलावा दो ही मीनिंगफुल वर्ड्स आ सो टू आंसर इज सी ऑप्शन। ठीक है जी सेल एंड सील ठीक है सो ये अपने कोल की आ गया आंसर आ गया राइट। हाँ जी उस तो बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की है अपना NREA अक्षरां नाल अंग्रेजी दे किन्ने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं हरेक अक्षर नूं हर एक शब्द विच सिर्फ एक बार वर्त के। ओके NREA ओके हाँ जी बनाइए हुण किन्ने मीनिंगफुल वर्ड्स बना सकते हैं ऑप्शन च नन भी आ वन भी आ टू भी आ थ्री भी आ। हाँ जी आप किन्ने मीनिंगफुल वर्ड्स बना सकते हैं हुण मीनिंगफुल वर्ड्स केड़े केड़े बना सकते हैं असीं चलो पहले आ कर लिए क्वेश्चन एक विच रह गया फिर मैं वो करवा दूंगी। हाँ जी केड़े केड़े मीनिंगफुल वर्ड्स असीं बना सकते हैं चारा दी हेल्प दे नाल NREA एक तो नियर यस NEAR वेरी गुड होर केड़ा मीनिंगफुल वर्ड हो सकता नियर हो गया होर आप बना सकते हैं एक अर्न EARN रेन RAIN हुंदा इत्थे आई नहीं है होर आर एन कुछ नहीं हुंदा REAN रियान कुछ नहीं हुंदा एक नियर ते एक अर्न दो ही मीनिंगफुल वर्ड्स बन सकते हैं सो आंसर इज टू सी ऑप्शन। ठीक है अगला क्वेश्चन की है हर एक अक्षर नू हर एक शब्द विच सिर्फ एक बार वर्त के आ हुन AER हाँ जी इन्हें तिना की हेल्प के नाल बनाओ मीनिंगफुल वर्ड्स किन्ने बना सकते हैं असं वह देखा। हाँ जी पहले तो बहुत ईजी आर लिखता ही पे है ARE होर EAR ईयर आर ईयर होर तीसरा एरा ERA पहले आप एक बार ए रख लिया आर बन गया ई तो ईयर ईयर बन गया ई तो एरा ERA हुण आर नूं जे अगे रखिए RAE कुछ नहीं हुंदा REA कुछ नहीं हुंदा सो ओनली तीन मीनिंगफुल वर्ड्स बने आ सो आंसर इज डी ऑप्शन थ्री मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी मेड विद द लैटर्स AER। ठीक है अगला क्वेश्चन की आ NDOE दे अक्षरां नाल किन्ने अर्थपूर्ण हाँ जी सिंपल NDOE सोचो हुण कि मीनिंगफुल वर्ड्स बना सकते हैं NDOE दे हेल्प दे नाल NDOE DONE ओ DONE यस डन डन मैं तो उदी बोलिया DONE माइंड च आ गया डन वर्ड बन सकता। ठीक है होर NDO NODE नोड नोट्स है ना NODE नोड हो गया डन हो गया ओ तो बना सकते अपना कोई ONED ओनैड ओनडी कुछ नहीं ई तो जब बनाइए ईओंड ईओड कुछ नहीं बना सकते सो एक मीनिंगफुल वर्ड बनया डन दूजा मीनिंगफुल वर्ड बनया नोट सो दो ही मीनिंगफुल वर्ड्स बने सो आंसर की आ गया सी ऑप्शन टू। ठीक है डन बनया तो नोट बनया राइट ओके उस तो बाद अगे की क्या हरेक अखर विच हर एक अखर की वरतों करके TPSI ओके TPSI हाँ जी हुण इन्हां दे नाल आपां किहड़े किहड़े मीनिंगफुल वर्ड्स बना सकते हैं TPSI टी तो स्टार्ट करिए जरा सोचिए TPSI कुछ नहीं हुंदा TSIP टसप कुछ नहीं हुंदा ओके टी TPSI टिप्स एंड ट्रिक्स कर देना आप ओके एक टिप्स बन गया और पी तो पिस्ट PIST नहीं पिट्स हाँ पिस्ट पिट्स पिट्स आ गया ना माइंड च टिप्स हो गया पिट्स हो गया होर बना सकते आप कोई होर टिप्स पिट्स स्पिट SPIT SPIT एक टिप्स हो गया एक पिट्स हो गया एक स्पिट हो गया यस तीन मीनिंगफुल वर्ड्स हो गए सो आंसर की आ गया सी ऑप्शन थ्री मीनिंगफुल वर्ड्स सो TPSI की हेल्प देने तीन मीनिंगफुल वर्ड्स बनाए टिप्स हो गया
बिट्स हो गया, 30 बिट हो गया, ठीक है। उस तो बाद ओके, हर एक अक्षर विच केवल एक बार हर एक अक्षर दी वरतों करके डब्ल्यू एन ओ, डब्ल्यू एन ओ दी हेल्प देना, हम तो तीनों ही हैं। चलो पहले डब्ल्यू अगे रख लिए, वनो, डब्ल्यू ओ एन, वन, ठीक है ओके। होर एन तो एन डब्ल्यू ओ, नाउ, एन ओ डब्ल्यू, नाउ। थर्ड वन इज ओ डब्ल्यू एन, ओन, है ना। देखो किन्ने इक्को ही दे नाल तीन आप मीनिंगफुल वर्ड्स बना ले, वन, नाउ, ओन, तीन मीनिंगफुल वर्ड्स बना ले। सो आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन 3, ठीक है, वन, नाउ ते ओन। हाँ जी, उस तो बाद की कहते ए डी आर डब्ल्यू, ए डी आर डब्ल्यू अखरा तो किन्ने अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं, हर एक अक्षर नु हर एक शब्द विच सिर्फ एक बार वर्त के। ओके, ए डी आर डब्ल्यू, ए डी आर डब्ल्यू की रखी है हुन, ए तो ए डी आर नहीं, ए आर डी डब्ल्यू नहीं, डी तो डी आर डब्ल्यू ए, डरवा नहीं, ड्रॉ, डी आर ए डब्ल्यू, एक एक लैटर ना थोड़ा अगे पिछे रख के सोच सकते हैं असी, हुन डार, डी ए डब्ल्यू आर कुछ नहीं होंगे, मतलब डी तो नहीं बन सकता, आर ए डी डब्ल्यू नहीं, आर रबार्ड, आर डब्ल्यू ए डी नहीं, डब्ल्यू तो जो देखिए आप, वार्डर नहीं, वार्ड, यस, डब्ल्यू ए आर डी, वार्ड बन सकता, एक ड्रॉ बन गया, एक वार्ड बन गया, दो मीनिंगफुल वर्ड्स बन गए। सो अपने को आंसर की आ गया सी ऑप्शन, राइट। सो सी ऑप्शन अपने को किया, आंसर आ गया ओके। उस तो बाद किया लेम, एल ए एम ई, अखरा नाल किन्ने अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं, हर एक नो एक बार यूज करना, पहले तो एक लेम ही हो गया, ये भी मीनिंगफुल वर्ड आ। होर लेम, होर की हो सकता, एल ए एम ई, आप एल नो इजे अगे रख के होर कुछ सोच सकते हैं, लेम, ए नो अगे रख के एल मी एम एल नहीं, एम नो अगे रख के मले मी, हाँ मील बन गया एक, वेरी गुड, एम ई ए एल, ले मील, नंबर थर्ड ते की आ गया मील, कह सकते हैं असी, एम ए एल ई, लेम हो गया, मील हो गया, देन मेल हो गया, ई तो इलम इमाल नहीं, सो लेम मील मेल, तीन मीनिंगफुल वर्ड्स बना सकते हैं। सो अपने को आंसर की आ गया डी ऑप्शन, ठीक है। सो थ्री मीनिंगफुल वर्ड्स जेडे ना तिना दे नाल बन सकते। बच्चे प्लीज इस लैक्चर एक बार दोबारा जरूर देखियो, खुद मीनिंगफुल वर्ड्स जेडे बनाने की कोशिश करियो। सो एक दो बार करूंगे थोड़े माइंड जेड़ा है वो अच्छी तरह वर्ड्स जेडे बैठ जाओगे, ताकि एग्जाम से दिक्कत नहीं आओगी। फिर मैं हर एक टाइप कंप्लीट करवाई है, लॉजिकल अल्फाबेट द लास्ट क्लास जैसे लेफ्ट राइट किया, बेसिक्स भी करवाई सके, अज आप मीनिंगफुल वर्ड्स से आ गए ओके। अगला की है हरेक अक्षर विच हर एक अक्षर की वरतों करके एल ई जी यू, ओके, एल ई जी यू, अखरों नाल किन्ने मीनिंगफुल वर्ड जेडे आप बना सकते हैं। हाँ जी, लैगू, लैगू कुछ नहीं होगा, यूगल, यूगल कुछ नहीं होंगे, इलगू नहीं, जी ई जेलू, जेलू कुछ नहीं होंगे, कुछ की बना सकते हैं, एल ई जी यू की हेल्प दे नाल आप किन्ने मीनिंगफुल वर्ड्स बना सकते हैं, लेगू, लेगू कुछ नहीं होंदा, इगलू, इगूल कुछ नहीं होंदा, गेलू कुछ नहीं होंदा, यू तो स्टार्ट कर दो, नहीं कुछ होंदा, ग्लू, ग्लू बना सकते हैं, ग्लू, जी एल यू ई, ग्लू हो गया, ठीक है, ग्लू हो गया। होर यू ई जी एल नहीं, ई यू जी एल नहीं, ग्लू हो गया, एल ओ जी, एल यू जी ई नहीं, ग्लू। सो आंसर की आ गया ओनली वन मीनिंगफुल वर्ड। सो इन्हां चारा दी हेल्प दे नाल सिर्फ इक्को ही मीनिंगफुल वर्ड बन सकता सी, केड़ा बनिया हो, ग्लू, ठीक है ओके। अगला की है हर एक अक्षर विच एक बार वर्तो करके डी एल ई आई, ओके, डी एल ई आई, इन्हां दी हेल्प दे नाल आपां मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने हैं, केड़े केड़े बना सकते हैं ओके, डी आई एल ई, डायली कुछ नहीं होंदा, दलाई कुछ नहीं होंदा, लाइट, एल आई ई डी, एल आई लाइट, यस, एल आई ई डी, होर की बना सकते हैं आपां, एल तो एल ई आई डी नहीं, एल डाई ई तो की बना सकते हैं, ई एल आई डी, इलिड,
और आई तो IELD, आई कुछ नहीं होता, आई आई आइडल, IDLE, IDLE, आइडल, ठीक है, आइडल मैन, एन आइडल मैन, सो लाइट आइडल, सो दो ही मीनिंगफुल वर्ड्स बने ना, दोनों की हेल्प दे ना, लाइट ते आइडल, ओनली टू मीनिंगफुल वर्ड्स, सो आंसर इज टू, ठीक है, ओके okay, अगे की क्या, एक शब्द विच एक बार वर्त के DREO, DREO किड़े किड़े वर्ड्स बना सकते हैं, जे ए हुंदा फिर अपन डियर बना देना से, है ना, हुन ड्रियो, डियोर कुछ नहीं हुंदा, आर तो रोड, ROD, ROD, ठीक है, रोड, ठीक है, राइट, रोड रिडन, है ना, रोड सवारी करना, ERD, ईओड नहीं, ओ तो ओरेड, ऑर्डर, ऑर्डर च ORDER, एक होर आर आंदा या, और की बना सकते असि, बस एक कोई मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है, तो रोड, सो आंसर की आ गया वन, डी ऑप्शन, ठीक है, सो इन्हें चारा दी हेल्प ने नाल एक सिंगल मीनिंगफुल वर्ड बनया, दैट इज रोड, ओके अगला, हर एक अक्षर नु एक बार वर्त के IFEL, IFEL दी हेल्प दे नाल मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने, आपां केड़ा बना सकते हैं, आई तो कोई बन सकता, इफल नहीं, याल नहीं, थोड़ा ना एक एक लैटर नु अगे रख के फिर थोड़ा माइंड दे विच आ जांदा, एफ नु अगे रख के फिल, ओ फाइल, फिल तो आ डबल एल चाहिए सी, फाइल बन गया, तो FILE, फाइल, FILE, होर केड़ा बना सकते आपां, फील, FEO हुंदा या FILL या FEEL, फील, फिल कुछ नहीं बन सकता, फाइल बन गया, ई तो EIFL, इफल नहीं, इलिफ नहीं, एल तो लाइफ, हाँ एल वर्ड दिखया, एफ भी दिखया, लाइफ, एक फाइल बन गया, एक लाइफ बन गया, और अपने कोल कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन सकता, ओनली टू मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी मेड, ओके अगला की क्या, अक्षर ITRM नाल किन्ने अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं, ITRM, ITRM, सो केड़ा बनाइए, इटरम, इटरम कुछ नहीं हुंदा, टेरम, टेरम कुछ नहीं हुंदा, TIRM जे टायरम करिए अपना, आर तो रमित कुछ नहीं हुंदा, रिटम कुछ नहीं हुंदा, ओके एम मटरी, MITR मिट्र, मर्टी, मर्टी कुछ नहीं हुंदा, ओके और टी तो TRIM, ट्रिम, ट्रिम वर्ड बन गए, टी तो ट्रिम, ठीक है, सो देखते देखते कुछ ना कुछ माइंड दे विच आ जाता, एक ट्रिम मीनिंगफुल वर्ड बनया, ट्रिम, होर कोई बन सकता, मीटर, मीटर च पहले था ई हुंदा, METER, ओके होर कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन सकता, ओनली ट्रिम बनया, सो अपना आंसर की आ गया बी ऑप्शन, दैट इज वन, ट्रिम, ठीक है, ओके हर एक अक्षर विच अक्षर की वरतों करके ONDE, हुन ONDE जे तुहानू याद होएगा पा एक वर्ड किता सेगा, ठीक है पिछले क्वेश्चन ओदे च साडे कोल आही चार लैटर्स आए सी ONDE, आपां उन्हां दी हेल्प दे नाल मीनिंगफुल वर्ड्स बनाए सी, अगर तुहानू याद होएगा तो तुसीं बना सकदे आ, है ना, देखो तां सानूं बहुत सौखा रहेगा, सोचना भी नहीं पएगा, आपां एक बनाया सी डन, ONDE तों डन बनाया सी, दूजा केड़ा बनाया सी नोड, सो एक नोड डन बन गया, एक नोड बन गया, ये अपने कोल दो की बन गए मीनिंगफुल वर्ड्स, सो आंसर की आ गया सी ऑप्शन, ठीक है, ओके अगला किया ESTR, ESTR दी हेल्प दे नाल अपन मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने हैं, किन्ने बना सकते हैं वो देखांगे, ईस्टर नहीं, ईस्टर च ई हुंदा या, स्टीयर, स्टीयर नहीं हुंदा, प्रेस, प्रेस कुछ नहीं हुंदा, रेस्ट, RESTE, रेस्ट, एक रेस्ट, ठीक है, सो रेस्ट, एक रेस्ट मीनिंगफुल वर्ड बनया, होर कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन सकता, सो इतने आंसर की आ गया बी ऑप्शन, ठीक है रेस्ट, ओके अगे की किया, अच्छा कंडीशन आ गई, हुन एक होर नवा क्वेश्चन, पी नाल शुरू होने वाले अति उस शब्द के अंदर कोई अक्षर दोहराए बिना ALPE,
शब्द तो किन्ने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। ALEP की हेल्प दे नाल मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने हैं, और वो मीनिंगफुल वर्ड्स की कंडीशन है पी तो ही स्टार्ट होने हैं। हुण आपां पी तो ही देखांगे। पहले आपां लिखता पी, पी तो प्ली, यस प्ली, PLEA, होर PEAL, पील, प्ली पील। होर की बना सकते हैं असीं, पेल, PALE। सो प्ली बन गया, पील बन गया, ते पेल बन गया, तीन मीनिंगफुल वर्ड्स बन गए। सो आंसर की आ गया 3। सो बी ऑप्शन 3, प्ली पील और पेल तीन मीनिंगफुल वर्ड्स बन गए। अगला की आ KEAB, हरेक अक्षर नू एक बार वर्त के, KEAB। हाँ जी, इन्हां दी हेल्प दे नाल आपां हुण कोई कंडीशन नहीं है स्टार्टिंग वगैरह वाली, इहदे लई आपां की बनाईए मीनिंगफुल वर्ड्स। की कुछ नहीं हुंदा, इक आप कुछ नहीं हुंदा, एक अप कुछ नहीं हुंदा, बी 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 ई ए के बन गया। दूजा की मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं असीं, ब्याक, के ओ बेक, सब तो ईजी वर्ड, एक बीक बन गया, एक बेक बन गया। सो इन्हां चारा दी हेल्प दे नाल असीं दो मीनिंगफुल वर्ड्स बना ले, एक बीक बना लिया ते दूजा बेक बना लिया। सो आंसर किन्ना आ गया, बी ऑप्शन, दैट इज 2। ठीक है, ओके। अगला की है EOPR, EOPR। हाँ जी, बहुत सौखा वर्ड दिख रहा इत्थों, EOPR दी हेल्प दे नाल रोप। पहला तो देखते, कई बार वर्ड देखते दे ही माइंड च आ जाता है रोप। दूजा की बना सकते हैं असी, पोर, POR, पोर करना। एक रोप बन गया, एक पोर बन गया, ठीक है। सो की बन गया, रोप ते पोर, दो मीनिंगफुल वर्ड्स बन गए बस। ठीक है, सो आंसर की आ गया सी ऑप्शन। अगला की किया, अच्छा ए नाल शुरू होने वाले, हुण ए तो शुरू करने, उस शब्द के अंदर कोई अक्षर दोहराए बिना शब्द तो किन्ने तीन अक्षरां दे अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। अच्छा हुण टीयर वर्ड गिवन आ, पहली गल कंडीशन आ ए तो स्टार्ट होना, ते बनाना भी कोई तीन लैटर दा वर्ड आ जिहड़ा मर्जी होवे, बस रिपीट ना होवे। ए तो की बना सकदे आपां, पहले आर आ गया, ARE, ठीक है। उस तो बाद ए तो ही आर्ट, ART हो गया, आर हो गया, आर्ट हो गया। होर की बना सकदे आं असीं, आर हो गया, आर्ट हो गया, बस ये चारा चो कोई तीन यूज करी जाने, बस ए तो स्टार्ट करना। आर बना लिया आपां, आर्ट बना लिया आपां, ईट तो ई तो स्टार्ट कर, एट, ईट तो एट याद आ गया, ईट एट ईटन, है ना, एट। एक आर बन गया, एक आर्ट बन गया, एक एट बन गया, तीन मीनिंगफुल वर्ड्स बन गए। सो अपना आंसर की आ गया बी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन की कहता है, कैटेगरी शब्द विच किन्ने अजिहे अक्षर हैं। अच्छा कैटेगरी जो वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित होने से अपनी स्थिति में इक्को जे रहिंदे हन, मतलब कैटेगरी ने तुसी अल्फाबैटिकली अरेंज करना, किदी पोजीशन जिहड़ी चेंज नहीं हुई, पहले ए फिर सी डी ई, ओके एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी डब्ल्यू एक्स वाई सी ए सी टी ई ई जी जी ओ आर RTYY। सिर्फ वाई की पोजिशन ही आ, पहले भी उत्थी सी, हुण भी उत्थी आ, ओनली सिंगल लैटर आ जिहदी पोजिशन जिहड़ी चेंज नहीं हुई, पहले भी उही सी, हुण भी उही आ। ठीक है, सो अपना आंसर की आ गया ओनली वन। ठीक है, सो ये सीगे अज की अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, जिहदे विच आपां बहुत सारे मीनिंगफुल वर्ड्स किए, इहनू प्लीज़ एक बार कर लियो। ठीक है, लास्ट क्लास च असी बेसिक कंसैप्ट किया सी, बेसिक दे विच असी क्या किया सी, बेसिक दे विच असी कीता सी कि लैफ्ट तो की हुंदा, राइट तो की हुंदा आ, है ना। सो अज असी मीनिंगफुल वर्ड्स, मीनिंगफुल वर्ड का इक्वेशन पक्का आंदा, लैफ्ट राइट का क्वेश्चन पक्का आ जाता। ठीक है, सो अपनी दो तीन क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट रहूगी, कल की क्लास भी अपनी बहुत इंपॉर्टेंट रहूगी, सो प्लीज़ अटेंड करना ना भूलना, मॉर्निंग 10 AM रीजनिंग क्लास।